हाँ भी बच्चे आज आप गल करांगे किरिया दे बारे। किरिया किरिया की है, इहदी किस्मां किहड़ियां ने, किरिया वाक दे विच किवें अपना किरदार निभाउंदी है, इस बारे आप गल करांगे कि किरिया यानी कि वो शब्द जो वाक विच दे काम दे होण जां ना होण नूं समें दे आधार ते काल दे आधार ते सानूं दसदे है वो शब्द किरिया। किरिया का आप वैसे भी मतलब लेने हलचल हरकत, यानी किरिया शब्दों के हमेशा ही सानू एक हलचल महसूस होगी, जो भी शब्द किरिया वाले होंगे उन्होंने स्थिरता नहीं होगी, हलचल होगी। तो आप समझते हैं कि वाक विचले काम नू काम दे होण जां ना होण नू काल सहित प्रगट करने वाले शब्दों को किरिया शब्द कहते हैं। किरिया दिया दो किस्म होंदियां ने, अकर्मक किरिया सकर्मक किरिया। हुण ध्यान नाल समझो, अकर्मक मूहरे आड़ा लगे, आड़े का मतलब है तो बिना, किहदे तो बिना, कर्म तो बिना, कर्म तो बिना। हुण जदों जिहड़ी किरिया दे विच कर्म नहीं होएगा जां जिहड़ी किरिया कर्म दे नाल नहीं आएगी ओह अकर्मक किरिया होएगी। किवें देखो, उदाहरण लई मुंडा पढ़ता है, हुण मुंडा पढ़ता है वाक दे विच इह नहीं पता लगता कि मुंडा की पढ़ता है, क्यों? क्योंकि कर्म की है, इत्थे समझना पड़ता है। देखो मुंडा शब्द करता है, पढ़ता शब्द ते है शब्द किरिया के दो रूप ने, तां मुख किरिया ते सहायक किरिया, इहदे विच कर्म नहीं है। हुण कर्म की है? कर्म वो शब्द जिस उत्ते वाक विचले काम का बोझ पैदा, जां जिस उत्ते वाक विचला काम किया जाता वो शब्द कर्म। हुण इस दे विच कर्म है, मुंडा की पढ़ता है सानू नहीं पता, इस करके यह अकर्मक किरिया है। एक होर वाक भी है, मुंडा गया, तां यह अकर्मक है। दूजा है सकर्मक किरिया। हुण यह की है? स यानी मतलब दे नाल, इहदे नाल कर्म दे नाल। बाकी है मुंडा किताब पढ़ता है, तां इस वाक दे विच आपां नूं आराम नाल पता लगदा पिछले वाक दे मुकाबले कि की फर्क है। फर्क है कर्म दा, इस वाक दे विच कर्म आ गया किताब, मुंडा किताब पढ़ता है, किताब कर्म क्यों है? ये गल समझ वाली है कि पढ़न दा काम किताब उत्ते हो गया, इस करके किताब शब्द कर्म है। ते किताब शब्द कर्म दे नाल आउण वाले किरिया दे शब्द जिहड़े ने ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਵਾਕ ਵਿਚਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਿਆ ਭੂਤਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ।